हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बात कर रहे थे, आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, है ना। नेक्स्ट रूल देखिए। ओ सॉरी, रूल नंबर्स चेंज हो गए हैं। रूल नंबर ये 8 होगा, मैंने कल 7th रूल नंबर तक पढ़ाया था, है ना। ये आपका रूल नंबर 8 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूल्स की कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, है ना। क्यों नहीं चेंज होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी चेंज्ड हैं। किसमें? सेकंड फॉर्म में। देख लीजिए, जो शुड है, शैल को ही हम शुड बनाते हैं, तो जब ऑलरेडी वो शुड है तो हम उसको किसमें चेंज करेंगे, इसलिए देयर विल बी नो चेंज, है ना। जैसे कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट टू, ये चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही सेड आई शुड गो होम, तो इनडायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? ही सेड दैट ही शुड गो होम, है ना। अब देखिए रूल नंबर 9, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रोनाउंस जो होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, वो सॉरी जो फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, वो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, है ना, उसमें क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है ये, तो इसमें जो राहुल है, ये क्या है आपका नेम है, तो राहुल ने यहाँ पे क्या कहा? राहुल सेड आई गो फॉर अ वॉक डेली, मतलब मैं रोज वॉक करने जाता हूँ, ठीक। तो राहुल सेड दैट, अब आई जो है, जो राहुल ने कहा, तो हम क्या कह रहे हैं कि राहुल ने कहा था कि वो रोज वॉक करने जाता है, तो इसलिए वो जो है आई है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। फिर हमारा पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, गो फॉर अ वॉक डेली, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि जब हम किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता है, है ना। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 10 देखते हैं। द थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, अगर डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन है तो आप उसको किस में चेंज करोगे, तो इसलिए वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। ही सेज शी कुक्स वेल, उसने कहा वो अच्छा खाना बनाती है, तो ही सेज दैट शी कुक्स वेल, ठीक है। फिर अब ये वाला देख लीजिए, जो कमांड और रिक्वेस्ट है, जो मेन आपके सिलेबस में है, कमांड एंड रिक्वेस्ट, तो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या होगा? सेड होगा, सेड टू होगा, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें चेंज करना है? ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वॉर्न्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड, इनकरेज्ड, पर्सुएडेड, बेग्ड, एटसेट्रा, अकॉर्डिंग टू द सेंस। यानी कि आपके सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो अगर सेट टू हो जाएगा तो वो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कमांड दे रहा है तो कमांडेड हो जाएगा, कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो सेट टू के यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, पहले से रूल्स आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो इसमें एक चीज क्या चेंज हो जाएगा कि इसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हम कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए कंजंक्शन TO2 का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ द टीचर सेट शट द डोर, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? द टीचर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यानी कि टीचर ने ऑर्डर किया कि डोर को बंद कर दो, क्लियर। चलिए इसके भी और रूल्स देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। अब इसका थर्ड चेंज क्या होगा कि डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज कर देंगे, अगर निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू हर स्टैंड अप ऑन द बेंच, टीचर ने उससे कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। द टीचर ऑर्डर्ड हर टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, अब इसमें हमने क्या कहा? हमने इसमें सेड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि टीचर क्या कह रही है, उसको ऑर्डर दे रही है। फिर ये वाला कॉमा जो है आपका रिपोर्टेड वर्ब के बाद का और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने टू एज अ कंजक्शन यूज किया, टीचर ने उसे कहा कि इस बेंच पर खड़े हो जाओ, है ना। फिर सेकंड एग्जांपल देखिए, द जनरल सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी, अब जनरल है तो वो सोल्जर से कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर दे रहा है, तो द जनरल ऑर्डर द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी, अगेन हमने इन्वर्टेड कॉमा और ये रिपोर्टेड वर्ब के बाद का कॉमा हटाने के लिए टू का यूज किया, है ना। फिर देखिए, द गार्डनर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, गार्डनर ने क्या कहा? माली ने स्टूडेंट से कहा कि फूल को मत तोड़ो, है ना। तो ये वाला जो मैंने बताया डू नॉट को कैसे नॉट टू में चेंज करना, तो देखिए द गार्डनर फॉरबिड, फॉरबिड यानी कि किसी काम से मना करना, रोकना, फॉरबिड द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर्स। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, हमने यहाँ पे
टू का यूज किया, लेकिन यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी चीज को करने से मना किया जा रहा है। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इन सब सेंटेंसेस में? वो काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है, टी ओ टू का, है ना, कि बेंच पर खड़े हो जाओ, बेंच पर खड़े होने के लिए कहा, सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए कहा, तो टू माने के आ रहा है के लिए, यहाँ पर फ्रॉम माने से। गार्डनर ने स्टूडेंट्स को फूल तोड़ने से मना किया। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जब आपका डू नॉट नॉट टू में कन्वर्ट होगा तो वहां पर आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट एग्जांपल देख लीजिए। शी आस्क्ड कैन आई हैव अ मैंगो, तो शी आस्क्ड फॉर अ मैंगो, है ना। फिर शी आस्क्ड राम हु टीचर्स यू मैथ्स, शी आस्क्ड राम हु टॉट हिम मैथ्स। अब राम क्या थर्ड पर्सन है यहाँ पर, इसलिए यू आपका हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कोई रिक्वेस्ट इस तरह से करता कि प्लीज गिव मी अ पेन, तो आप इसको कहोगे कि शी रिक्वेस्टेड फॉर अ पेन, है ना। इस तरह से सेंटेंसेस हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग एक चीज और इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो नियरनेस है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो आपका सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस में आपका हेयर है वो क्या हो जाएगा? देयर में। इनडायरेक्ट जब आप लिखोगे तो उसको देयर लिखोगे। नाउ का देन हो जाएगा, दिस का दैट, दिस का दोस, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, टुमारो, द फॉलोइंग डे, है ना, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, एगो, एगो माने पहले, सॉरी एगो मीन्स बाद में, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, thus, so, hence, thence, come, go, है ना। इस तरह से आपका जो डायरेक्ट में जो है वो इनडायरेक्ट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जब आप इनडायरेक्ट में एगो को आप क्या लिखोगे? बिफोर लिखोगे। यस्टरडे के बारे में क्या लिखोगे? द प्रीवियस डे। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिलहाल आप इतना ही तैयार करिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम लोग फिर बाद में देखेंगे। वैसे मैंने जो बेसिक चीजें थी वो बता दिया, टेंसेस मैंने कल बता दिए थे वीडियो में कि किस तरह से चेंजेस होंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।